और मौजूदा सियासी घमासान के बीच महाराष्ट्र के कई जिलों में एनसीपी कार्यकर्ता मुंबई पहुंचने लगे हैं। जलगांव से आए कुछ एनसीपी नेताओं से हमारे संवाददाता गौरव अग्रवाल ने बात की। प्रदेश भर से एनसीपी के कार्यकर्ताओं का पदाधिकारियों का जुटना शुरू हो गया है। वाईबी चौहान सेंटर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर जलगांव से कुछ पदाधिकारी आए पार्टी के, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? उमेश पाटिल। मैम आपका? रीता बारिश। और सर आपका? विकास पवार। तो आप लोग यहाँ पर शरद पवार जी से मिलने आए? यस, आपको मिलने पर आए थे। मुलाकात हो गई? मुलाकात हो गई, साहब से मुलाकात हो गई। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, संगठन के बारे में बताया कि क्या करना है, हमारा जिला पूरा साहब के साथ खड़ा है। नहीं, लेकिन ये सोचा था अजीत पवार जी ऐसा करेंगे? नहीं, ऐसा सोच ही नहीं सकते। पवार फैमिली पूरी एक है, ऐसा सबको लग रहा था। ये हमको सबको अचानक शॉक लगा है। आपको शॉक लगा है? शॉक लगा है। तो इस शॉक से कैसे उभरेंगे? अभी फिलहाल महाराष्ट्र की सब जनता तो बड़े साहब के पीछे ही है, लेकिन अभी वेट एंड वॉच, आगे देखते क्या होता है। नहीं लगता अजीत पवार जी ने बड़ा नुकसान पहुंचाया और उसकी भरपाई अब नहीं हो पाएगी? नहीं, ऐसे तो नहीं लगता, लेकिन भरपाई भी नहीं होगी, लेकिन सब हम एकजुट रहेंगे, ऐसे मुझे पूरा विश्वास है।